हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 आज हम अटेंड करेंगे। देखिए डियर फ्रेंड, जो ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है चैप्टर नंबर 3 का, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर में भी हो सकता है। इसके बाद जब आपको मिला जाएगा तो एक नए कंसेप्ट, एक नए चैप्टर के संगत हम मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये, जब ये लेक्चर में सिखाना स्टार्ट करूँ तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आप बेटर अंडरस्टैंड करें और अपने माइंड में बिठाएं। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड, मैं ये कहूँगा कि आप अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो नोटबुक है आपके पास, वो भी आप अपने साथ में रखें, ताकि आपको जो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दिया जा रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सिखाया जा रहे हैं, आप अपने नोटबुक में भी आप क्या करें, रिकॉर्ड करते हुए चले। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, उसमें लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें जो पॉइंट नंबर 3.6 में जो कवर करना है उसके बारे में, देखिए ट्रेड के बारे में हमें पहले जान के लेना है, सीख के लेना है, समझ के लेना है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे द हरप्पा पीपल कैरिड ऑन द ट्रेड विथ इन द इंडिया एज वेल एज विद द कंट्रीज आउटसाइड। द इंडस वैली वॉज नाउ फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन। दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन लाइक वेस्ट एशिया, साउथर्न यूरोप एंड इजिप्ट। कॉटन क्लॉथ टू वॉज एक्सपोर्टेड द ट्रेड्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन प्रोवाइड डेट म्यूसिलियनियल क्लॉथ टू इजिप्ट, सिल्वर, जिंक, जेम स्टोन, रब, रूबीज, डिओडर, वुड वेयर, सम ऑफ द आइटम। वन सेकेंड आ फ्रेंड, जस्ट अ टेक्निकल इश्यूज। दैट वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ बाय द लैंड रूट्स एंड सी रूट। सम ऑफ द एक्सिबिटेड सील्स बियर पिक्चर्स ऑफ शिप्स। अ ह्यूज डॉकी यार्ड has been discovered at Lothal. The trade of the Harappa civilization was carried on along the coastline of the Arabian Sea. अब देखिए फ्रेंड, मैंने जो ऑल ओवर सेंटेंस या इतना जो पैराग्राफ आपके सामने रीड किया हूं, इसके बारे में जो बताया जा रहा है मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखिए फ्रेंड, हड़प्पा पीपल, आपको सभी को पता है, बिफोर सेंटेंस मैंने जो पढ़ा, एग्रीकल्चर करना या कल्टीवेशंस करने का उनको नॉलेज था, और वो कॉटन को कल्टीवेशंस करना या सोइंग करना, बोइंग करना उनको अच्छे तरीके से आता था। अब देखिए फ्रेंड, इसके बिफोर भी मैंने आपको कहा था लेक्चर में कि जो हड़प्पा, अगर से किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर से कोई सिविलाइजेशन से जो कॉटन को कल्टीवेशंस करना सीख रही है, तो वो आसानी से क्या बनाना सीखेंगी, क्लॉथ बनाना सीखेंगी, कॉटन की क्लॉथ बनाएगी, अलग अलग तरह की क्लॉथ बनाएगी। और देखिए, दैट टाइम कहा जाता है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो क्लॉथ बनाया जाता था ना फ्रेंड, वो हमारे इंडिया ही नहीं, इजिप्त और एक ही नहीं, यूरोप, इस तरह के और एशिया के अलग अलग तरह की कंट्रीज में इसकी क्या थी, डिमांड थी। और दैट्स रीजन
अलग अलग तरह के जो कंट्रीज या अलग अलग तरह के जो रीजन्स में रहने वाले पीपल से हड़प्पा के साइड में या हड़प्पा के इधर जो अलग अलग तरह के जो सिटीज थे ना, वहां पे कॉटन को खरीदने या परचेस करने आते थे। और इतना ही नहीं फ्रेंड, कॉटन सिर्फ कॉटन ही खरीदने वो आते थे क्या? नहीं, दैट टाइम जो देखा है ना फ्रेंड, बिफोर लेक्चर में आपको सभी को पता है कि अलग अलग तरह के जो जेम्स एंड ज्वेलरीज बनाए जाते थे फ्रेंड, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो अलग अलग तरह की जो जेम्स एंड ज्वेलरीज दैट टाइम मिले हैं, ये ज्वेलरीज भी वहां पे बनाए जाते थे फ्रेंड। वो ज्वेलरीज को खरीदने के लिए भी वो क्या है, पीपल अलग अलग तरह से हमारे अलग अलग तरह के रूट से, जो यहाँ पे बताया गया है सेंटेंस में फ्रेंड, सी रूट एंड लैंड रूट, ये दोनों रूट से क्या करते थे, हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा के साइड पे आके यहाँ पे ट्रेड करते थे। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन बात याद रखनी पड़ेगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन पीपल, जो हड़प्पन साइड के जो सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, वो कॉटन ट्रेड करते थे, कॉटन का ट्रेड करते थे या कॉटन का बिजनेस करते थे, ये आप नोट डाउन करके चले। उसके बाद में सेकेंड थिंग आपको याद रखना होगा कि कॉटन के अलावा वो अलग अलग तरह के जेम्स ज्वेलरी अन एंड ऑर्नामेंट भी वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ये आपको पता यहाँ पे बताया गया है सेंटेंस में इस। उसके बाद में फ्रेंड अलग अलग तरह के जो सीड्स देखिए ना फ्रेंड, अलग अलग तरह के जो फूड ग्रेन्स है वो भी कुछ यहाँ पे खरीदने ट्रेड के थ्रू आते थे, ये हमें इस ट्रेड का हड़प्पा सिविलाइजेशन के ट्रेड के थ्रू पता चलता है। और देखिए फ्रेंड अलग अलग तरह के जो साइट्स पे देख रहे होंगे ना फ्रेंड आप, कश्मीर में जो जिंक कॉपर या जो जेम स्टोन मिलते थे फ्रेंड, या अलग अलग तरह के जो जेम स्टोन रहते थे, जिंक सिल्वर या रबर जो मिलते थे, तो वुड मिलते थे या सम आइटम्स जो मिलते थे उसे भी खरीदने यहाँ पे लोग आते थे फ्रेंड। और ये दोनों भी साइट जो है तो लैंड रूट से भी आते थे फ्रेंड, और एक नहीं सी रूट से भी आते थे, अरेबियन सी में से इनका ट्रेड चलता था फ्रेंड। ये आप याद रखिए, कोस्टल लाइन का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो कैरी आउट होते इधर से होता था फ्रेंड, सी रूट से जब आते थे तो वो अरेबियन सी से आके ट्रेड करते थे, ये आप याद रखिए। उसके बाद में और जो लोथल है, लोथल की साइड में एक जो बिग डॉकयार्ड मिला हुआ है हड़प्पन साइड पे, ये आप याद रखिए, नोट डाउन कीजिए यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वही लोथल के जो है उसकी एक पिक्चर्स आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन पे बड़ा करके मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये फ्रेंड जो लोथल के साइड पे के जो सी रूट का जो कोस्टयार्ड है उसको जब एक्सवेशन करने के बाद में मिला, तो इस तरह से एक बिग डॉकयार्ड वहाँ पे एक्सवेशन करने के बाद में मिले, उसके कुछ एविडेंस मिले, उसी के ही कुछ मेकिंग ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू पिक्चर्स बनाई गई है फ्रेंड। और ये बिग डॉकयार्ड था फ्रेंड जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे ट्रेड का सबसे बड़ा ह्यूज यूज किया जाता था। और देखिए एक एंड द आर्टी यहाँ पे जो लिखा है मैं उसको रिपीट पढ़ रहा हूँ, इसका जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, बनाया गया है की हेल्प से बनाया गया, लेकिन किस तरह से दिखता था ये, ठीक है। और इसके बाद में देखिए फ्रेंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसको हम कवर करेंगे, और आज का जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसको भी हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए रीजंस फॉर द डिक्लाइन फॉर द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखिए फ्रेंड इतनी जो फ्लोरिश जो सिविलाइजेशन थी वो किस तरह से अचानक से दैट पीपल दैट टाइम पीपल्स एंड जो सिविलाइजेशन है वो किस तरह से अचानक से गायब हो जाता है, या किस तरह से वो इसका डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे हम जान के लेने वाले। अब देखिए हमारे को जो यहाँ पे सेंटेंस बताए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के हिस्टोरियन के अलग अलग मत हो सकते हैं, जो ये राइटर्स ने यहाँ पे जो लिखे वाले जो ये है इंटेंशंस उसको हमारे लिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और हमारे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड फ्रीक्वेंटली फ्लड्स इन्वेशंस बाय द फॉरेन ट्राइब्स डिक्लाइन इन ट्रेड वेयर सम ऑफ द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखिए जो दैट साइट आपको सभी को पता है, ये जितनी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन है कहाँ पे डेवलप हुई वाली, इंडस वैली या इंडस रिवर के सराउंडिंग ही नियर अराउंड ये क्या हुई वाली कल्चर या पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुई वाला है। तो अब जो फ्रिक्वेंटली बार बार दैट टाइम इंडस रिवर पे जो फ्लड आ रहे थे, या इंडस रिवर के जो सब रिवर है उन पे जो फ्लड आ रहे थे, दैट्स रीजंस ये जो सिविलाइजेशन से कहा जाता है कि डिक्लाइन हुआ है, ये किसका पहला रीजन बताया गया। उसके बाद में जो अलग अलग तरह के इन्वेडर्स यहाँ पे इन्वेडर्स और ट्राइब्स ये क्या कर रहे थे, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है या हड़प्पा के जो सिटीज है ना उन पे अटैक कर रहे थे, इसके वजह से भी दैट्स रीजन भी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ कहा जाता है।
ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन सम रीजन्स बिकम अ एरिड ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द मॉनसून ड्राइंग अप द रिवर बेसिन अर्थक्वेक चेंजेस इन सी सी लेवल एक्सेट्रा पीपल माइग्रेटेड टू द अदर प्लेसेस लैंडिंग। अब देखिए ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे कि नहीं ड्राई अप हो रहा था, मतलब कि ज्यादा ही वो सूख जा रहे थे, पानी वहाँ पे गिर नहीं रहा था, इसकी वजह से भी क्या हुआ कि यहाँ के जो पीपल्स थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो पीपल थे उन्होंने माइग्रेट करना पसंद करा और मानसून के जो डिले हो रहे थे या मानसून के जो वीकनेस थे जो जिसकी वजह से भी दैट्स रीजन्स यहाँ के जो पीपल से डिक्लाइन किए या एक जगह से दूसरी जगह गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डियर फ्रेंड कि जो अर्थक्वेक बार बार जो आ रहे थे दैट रीजन में उसके वजह से भी यहाँ के पीपल्स क्या किए एक जगह से दूसरी जगह गए या माइग्रेंट हुए ये कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज अ पर्पस प्रॉस्पेरियस एंड द फ्लोरिश अर्बन सिविलाइजेशन। अब ये जो हड़प्पा सभ्य जगह प्रॉस्पेरियस जो था ये भारत की संपत्ति का ये क्या बोलते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन से लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। और ये हड़प्पा सभ्यता ही थी फ्रेंड हमारे जो है कि नहीं बेसमेंट जो हमारे इंडियन कल्चर का एक पायर बेसमेंट लेड एट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन की मतलब कि हमारे इंडियन सभ्यता का बेसमेंट कहा जा सकता है इसको या पुरानी सबसे सभ्यता कही जा सकती है हमारे इंडियन की। ठीक है फ्रेंड, जो हमें मिले वाली है जिसकी हमने डिटेल में एक स्टडी की वाली है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे इसी के साथ में अपना आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है यहाँ पे मैं खत्म करूँगा, फिनिश करूँगा और इसी के साथ में कहता हूँ कि जो अपना चैप्टर नंबर 3 था क्लास 6 का यहीं पे आज ये फिनिश हो रहा है। जब आपको नए जब आप इस पर्टिकुलर हिस्ट्री सीरीज के जो लेक्चर से मिलेंगे तो नए टॉपिक के संगत नए चैप्टर के संगत नए लेक्चर के संगत मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ मैं कहूँगा कि आपके से इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको कुछ डाउट रहता है तो हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते और हो सका तो आपके कमेंट का हम रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक हमारे को इस तरह के वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन देता है और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने उन फ्रेंडों के पास जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं पर अपने फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हायर कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन फ्रेंड तक ये चैनल और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक आखिरी में कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।